काम कोई भी होवे करना चाहिए। अज जलंधर दे विच पुज्जिया एक एहो जी कहानी लैके नौजवान है, तस्वीर दिखा दिना पहला, तस्वीर हैगी इस नौजवान। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार सूबे नूं सेहतमंद बनाउण दे सुपने नूं साकार करन लई हर अहम कदम चुक रही है, जिस तहत पंजाब वासियां नूं म्यारी सेहत सेवावां प्रदान करन लई पिंडां ते शहरां च आम आदमी क्लीनिक खोले जा रहे हन। सूबे च हुण तक 829 आम आदमी क्लीनिक लोकां नूं समर्पित कीते गए हन। इन्हां क्लीनिकां च 80 तरहां दीआं जरूरी दवाईआं अते 38 तरहां दे टेस्टां दी सहूलत मुफ्त मुहैया करवाई जा रही है। हुण तक 1,54,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਹਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕਲੀਨਿਕ ਮੁਹੱਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੂਣ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਨਿਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਲੈਮਨ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ। ਕੁੜੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਕਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਰ ਕੰਮ, ਨਮਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ सर काम छोड़ा बड़ा नहीं होता, दिल से होता है। अगर मेरे को कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, कोई लोग तो मेरे को ला के देंगे नहीं कि तो ये पैसा स्कूल जा। अगर पर इसे मैं रोकना चाहना, काम तो छोटा बड़ा नहीं होता, सारे नु पता है, हर कोई करता, कहते बोल भी है रोटी हक दी खाइए जी, पर मैं बूट पाल छा करिए, है ना। पर तुहाडी भेस नु वेख के लगता कि कारण की है इस भेस का, खुलिया क्यों चेंज की? बस सर, अगर रात को 12 बजे तक रहना दुकानों पे, लड़के भी आते हैं, तो अगर हम लड़के बन के काम नहीं कर सकते दुकान पे, दुकान शॉप के अंदर सही है, उसके अंदर बैठ के बंदा कर सकता है, पर रोड पे लड़कियां अगर सुरसुलार पे सेफ नहीं हो सकती। अगर लड़के आएंगे हम सुरक्षा देखते हुए, बस अगर हम लड़की बन के खड़ी होती हूँ ना, तो बहुत लड़के भी आते हैं ताने मारे, मतलब देखेंगे ऐसा, फिर रेडी है गिलास होना होता है। इसलिए मैंने अपने थोड़ा सा चेंज किया कि अपने आप को, अगर मेरे को कमाना है पैसा, अगर पढ़ाई करना है, अगर मेरे को आर्मी बननी है, तो मेरे को पहले लड़का बनकर आर्मी में भर्ती होना है। तो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हो? हाँ जी जी, 12वीं प्लस टू क्लास। स्कूल भी यही पेस? नहीं नहीं, स्कूल सूट सलवार, ओ मैम अलाउ नहीं करते, कहते कि नहीं मुंडे वाले कपड़े नहीं पहना। तो कोई ट्रोल वगैरह भी होंगे स्टूडेंट जो नाल पढ़ते हैं, अजकल को एजुकेशन लेंगे, कहते तो होने कुछ ना कुछ ट्रोलबाजी तो करते, ताना मारते कि लड़की है, लड़का बनकर रहती है, वो लोग मेरे को देखते, खुद मैम मार के देखते मेरे को दुकान पे, तो ताना मारती है, अरे ये तो लड़की है। टीचर ने भी कभी? हाँ, टीचर ने, बहुत टीचर ने कहा है मेरे को, क्या कि यार तो मतलब तो लड़का बनकर रहते दुकान पे, डैडी को बोल के दुकान बंद करके घर पे आए, मतलब तो घर पे रख ले दुकान बंद करके। अब बस जो टीचर ने कहा था, वो टीचर स्कूल में है नहीं अब, उन्होंने मेरे को एक बार कहा था कि तो दुकान पे तो रहती है, पढ़ाई में लॉस हो रहा है, मैं खड़ी हो गई थी, टेस्ट नहीं आता था मेरे को, उन्होंने बहुत ताने मारे थे कि दुकान जाना बंद कर दे, था अपनी पढ़ाई कर। पर कितने ना कितने देखा जाए, एक मिसाल है, काम करना कोई गुनाह थोड़ी है, चाहे भेस बदल के कर रहे हो तुसी, पर अपने माँ प्यो का सहारा तो बने हुए हो। हाँ जी बिल्कुल, अगर मैं हूँ तो मेरे पापा मम्मी ने मेरे को इस काबिल किया है, मैं दुकान पे रह के उनका एक सपना पूरा करूँ, और एक घर पापा नहीं चला पाएंगे, चार कभी घर पापा नहीं चला पाएंगे, चार बहन एक भाई है हम लोग, इसलिए मेरे को पापा के साथ खड़े होना पड़ता है कि यार मुस्कान दे फादर हैगे, किवें लगदा कि तुहाडे नाल ही तुहाडी कुड़ी तुहाडा हाथ बटाउंदी हुई नजर आ रही है और बराबर दा काम करदी है? मेरा साथ लड़की बराबर हाथ बटा रही है, हेल्प कर रही है, गरीबी कारण सब अच्छा से चल रहा है अपना,
अच्छा एक बात बताएं, जैसे उसने अभी बेस बदला है, लड़कों के कपड़े पहन करके काम करती है, टोपी वगैरह डाल के काम करती है, कभी रोका नहीं आपने उनको? ना, वो ऐसे है, वो जैसे रेडी पर है ना, गंदे फंदे उसी से लड़के जैसे शुरू से रह गए। घर में भी ऐसा ही रहती है? घर में भी ऐसे, स्कूल जाती है तो स्कूल के ड्रेस पहन के जाती है। तो पढ़ने पढ़ाने में कैसा है? सब ठीक है। जो उसका, उसने अभी जो बोला है कि वो आर्मी में भर्ती होना चाहती है, इसको किस तरह से देखते हो आप? करवाना चाहते हो? हम तो चाहते हैं जहाँ भर्ती हो जाए उसमें दौड़ भाग कर रही है, ये उसमें भर्ती हो जाए तो और ऊपर वाला के और बढ़िया होगा कृपा। तो हूँ एक गल देखने वाली इतने बड़ी चंगी है कि प्यो जड़ा हैगा वो दुकान ते नाल ही बिल्कुल रेडी लाई हुई आइसक्रीम दी, ते जड़ी उसकी धी हैगी मुस्कान वो इस जगह ते मैंगो शेक, लैमन जूस, बनाना शेक वगैरह बना के लोगों को सर्व करती है। कुड़ियां भी आउंदियां ने, मुंडे भी आउंदे ने, पर किते ना किते जिहड़े लोग हैगे ने कहिंदे ने कि लोगों ने मूँह नहीं फड़े जा सकते, ट्रोलबाजियां करदे ने, इसे करके लड़की ने जिहड़ा अपना भेस बदलिया, तो भेस बदल के इस वेले सोडल रोड दे उत्ते काम करदी हुई नज़र आ रही है। और एम जिहड़ा बहुत वधिया वधिया हैगा जिहड़े भारत सरकार ने अग्निवीर वर्गे जिहड़े प्रोजेक्ट लियांदे होए ने, वो अग्निवीर बनना चाहुंदी है, एक आर्मी दे विच भर्ती होना चाहती है, ताकि जो सुपना जो उन्हें बचपन च सुपना देखा ही उस बारे गल करना चाहता कि करी चलो तुम काम नाल करी चलो, अपन नाल गलबात भी करा। एम कि आया दिमाग भी आर्मी च ही भर्ती होना है? बस बचपन से है कि भारत के लिए कुछ करना है, देश, हाँ, देश के लिए कुछ करना है। अगर हमारा देश में, अगर आजकल पति सब पैसे के पीछे भाग कर गरीबों का देखते नहीं है, अगर अमीर के पास पैसा तो पुलिस अमीर की है, ये आजकल कानून पैसे वाले के साथ ज्यादा जाती है। तो मेरा था कि एक एकता कानून बनाऊं और जो गरीब लोग हैं उसकी बात सुनी जाए, जो लड़कियां कहीं कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे दब रहे हैं उसको सुनकर उनकी तरफ से मेहनत काम। मोदी जी ने जैसे आर्मी के लिए अग्निवीर योजना को अनाउंस किया, इसको किस तरह से देखते हो? इसी में भर्ती होना चाहते हो जब पहले जो आर्मी की सेना में भर्ती होती थी उसको देखते हो? क्योंकि ये तो 4 साल के लिए, उसके बाद रिटायरमेंट है, अगर सिलेक्शन हो जाती है फिर आगे तक जाओगे आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है, बट इसमें नहीं भर्ती होना, अग्निवीर में नहीं। अगर होना है तो मैंने भारत के लिए आर्मी में जाना है, बीएसएफ में जाना है और बॉर्डर पे जाना है, मैंने लड़ाई करना है। ऐसे तो 4 साल में क्या कर लेंगे सर, अगर हमारा सपना बचपन से 18 साल का सपना देख रहे हैं, 4 साल से कुछ नहीं कर पाएंगे फिर अग्निवीर में जाके। हम मेरा सपना है कि अगर बॉर्डर पे जाऊँ, वर्दी मिले, भारत के लिए कुछ करो और एकता कानून बनाओ। बॉर्डर तो बहुत जॉब बहुत टफ होती है, हमने देखा कई बार, मैं भी बॉर्डर दे स्टोरीज कवर करन गया, उथे ठंड बहुत होंगी है, जे गर्मी गर्म इलाके चली तो गर्मी बहुत होंगी है। देखा जाए सर, अगर हम स्कूल ना जाए उस बजे 6 बजे आकर दुकान साफ करके लगा देते हैं, फिर रात को 12 बजे जाते हैं घर। अगर स्कूल जाए तो शाम को हम आते हैं 4 बजे या 3 बजे, कभी 2 बजे तक आ जाते हैं दुकान पर, कभी 3 बजे जाते हैं। अगर स्कूल काम करना हो 4 भी बज जाएंगे आकर, फिर रात को 12 बजे जाते हैं, फिर घर पे जाकर। आपने बताया कि ट्रेनिंग लेने गए थे तब दुकान बंद हो जाती है? हाँ बिल्कुल, जब जाते हैं ना फिर पापा को दुकान बंद करना पड़ता है और पापा का आधे कस्टमर भी छूट जाते हैं, कस्टमर भी आधे नहीं आते, बंद अकेले क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम 4 बहने पीछे से, 4 बहने, एक भाई है पापा का, हाँ छोटा भाई है इधर ही खड़ा सामने, 4 भाई है और 4 बहन 1 भाई है हम लोग। यही भाई है? हाँ यही भाई है। बात कर सकते हैं? क्या नाम है भाई? मेरा नाम है प्रभाकर कुमार। कैसा लगता है बहन को? दुकान पे आना अच्छा नहीं लगता है, पर मजबूरी के कारण बुलाना पड़ जाता है। अगर कल बहन आर्मी में भर्ती हो जाती है, बीएसएफ में भर्ती हो जाएगी तो दूर बॉर्डर पे चले जाएगी, फिर अच्छा लगेगा? हाँ उस टाइम अच्छा लगेगा। चाहते हो कि बहन आर्मी में जाए? फुल स्पोर्ट, फुल स्पोर्ट। अच्छा काम भी देख लिया थोड़ा, एम भी दस, मानते हैं काम करने को इदा का, जिनी सपोर्ट मानते हो पढ़ाई दे विच जां जिहड़े तुसीं आर्मी च भर्ती होना चाहते हो? मम्मी बहुत सपोर्ट है, बट क्या कर सकते सर,
मम्मी का किसका पेरेंट चाहेगा कि लड़की दुकान में काम करे? कोई नहीं चाहता है कि किसकी माँ नहीं चाहता कि लड़की दुकान में काम करे। बट एक मजबूरी होती है ना, अगर मैंने आर्मी बनना है तो उसके लिए पैसे भी होना चाहिए, पढ़ाई भी करना चाहिए, उसके लिए मैं अपनी फीस भर लेती हूँ। पापा से मांगने नहीं पड़ते पैसे, मुझे पता है कि पापा के पैसे हरदम नहीं होते, बस पापा से मांगने नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मैं पैसा होगा तब जाकर आर्मी बनूंगी, और कुछ जोड़ नहीं पड़ते हैं आगे जाके। अगर आर्मी बनने के लिए पैसा लौट पड़े हमको, हम दे सके। फिर उसके बाद चार बहन है, उनको भी देखना पापा ने। बड़ी है मुझसे, एक बहन छोटी है, एक भाई छोटा है मुझसे, और दो बहन बड़ी है। और दो बहन की शादी कर दिया पापा का, मतलब शादी कर दिया ना, पढ़ाई करती है वहाँ, घर में पढ़ाई करती है वहाँ मम्मी के साथ। उसने हीरोइन बनना है सर, हर किसी का सपना नहीं होता है भारत के लिए। एक बॉर्डर पे काम करेगा, एक फिल्म में काम करेगा, उसको हीरोइन बनना है। उसको उसको वर्दी से बहुत प्यार है, वो चाहती है कि मैं बनूँ। वो जब मेरे को एनसी की यूनिफॉर्म में देखती ना, तो पूरी गली में हल्ला करती है, मेरी बहन आ रही है, ऐसे मेरी बहन आ रही है। वो कहते दीदी एक बार तो वर्दी पहन के कब आएगी, और रोज पूछती है मम्मी, पूछती है ये मुस्कान ट्रेनिंग कर रही है, कब से ट्रेनिंग खत्म होगा, कब तो वर्दी में आएगी हमारे साथ। तो मैं सोचती हूँ कि आर्मी सपना बहुत बड़ा है मेरा, छोटा मोटा सपना नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ जी हाँ जी, नहीं गल बात नहीं हुई, बात नहीं हुई हमारी उनसे, बट मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करे और मैं उनसे बात करूँ, और उन्होंने मेरे को सपोर्ट करे थोड़ा सा। अगर सपोर्ट अगर वो करेंगे तब मैं जा पाऊंगी, अगर सरकार सपोर्ट करेगी। उनसे बात नहीं हुई है, एक है सर हमारे, वो अभी रिटायर हो चुके हैं, वो मेरे को कहते हैं मुस्कान तो मैं ट्रेनिंग कर, तेरे को मैं पुलिस में या कॉन्स्टेबल भर्ती करा दूंगा। वो कहते हैं तो ट्रेनिंग कर, मैं तेरी बात करूंगा आगे, बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मैं सपना है कि अगर मैं आर्मी ना बनूं तो मेरे को कॉन्स्टेबल पर भर्ती ले जाए, छोटे पदवी पर मेरे को ले जाए, मेहनत करके मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। मेरे को भरोसा अपने ऊपर, अगर छोटे मोटे काम से शुरू करके बड़े काम में पहुँचते हैं, बस यही है। बस भारत के लिए एक बार, देश के लिए आर्मी में जाके कुछ बड़ा काम करके शहीद होना चाहते हैं। बिल्कुल, ये है मुस्कान जी की कहानी, असी थोनू दसी है कि एक नौजवान का सुपना जोड़ा है कि अपने माँ प्यो के नाल सड़कों के काम भी करते हैं, नाल जो सुपना हैगा वह कि वो देश विच, देश की सेना, सेना दे विच भर्ती होना चाहते हैं, बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, देश लई शहीद होना चाहते हैं। एड्डी वड्डी सोच रख के वो इस काम में निपरे चाढ़न के उत्ते लगे हुए कि किसी ना किसी तरीके उसकी किसी भी वड्डे अफसर ना गल हो जाए, भावें चाहे वह कॉन्स्टेबल ही भर्ती हो जाए, मेहनत करके उच्ची पदवी से जरूर पुजणगे, पर जिहड़ा सुपना देखा है वह सुपने नूं दैनिक सवेरा भी सलाम करता है। कैमरामैन सुरिंदर दे नाल सुरिंदर कंबोज, दैनिक सवेरा टीवी जलंधर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।